गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अर्चना, क्लास यू के जी, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर 5। बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ। और मैथ में जैसा कि तुम लोग को पिक भेजें अभी बताए हैं ना कैसे करना है। देखो ये वर्ड कम्स नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स मतलब होता है बच्चों अगला वर्ड। तो ये क्या हुआ है 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो 21 के बाद क्या आता है बच्चों 22। तो तुम लोग इसके आगे क्या लिखोगे 22। तुम लोग को ये इस तरह सर्कल बनाना है यहाँ पे और लिखना है 22, ठीक है। ये इसी तरह देखो ये क्या है 85, 86, 87, 88, 89, 90। अब इसके 90 के बाद क्या आता है 91। तो ये 91 तुम लोग को क्या लिखना करना है, इसके आगे 91 लिखना है। या तुम लोग ये भी कर सकते हो, 91 में टिक कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह देखो यहाँ दिया हुआ है 32, 33, 34, 35, 36, 37। इसके बाद क्या आता है 38। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है 38। इसके आगे अगला वर्ड क्या होगा बच्चों 38। उसी तरह देखो ये 74, 75, 76, 77, 78, 79। 79 के बाद क्या आता है बच्चों 80। अब क्या लिखोगे 80। यहाँ इसके आगे नेक्स्ट वर्ड होगा 80। अब देखो नीचे और क्या लिखा हुआ है 42, 43, 44, 45, 46, 47। 47 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है बच्चों 48। अब 47 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 48। तो तुम लोग यहाँ क्या लिखोगे 48। इसी तरह इसमें वर्ड कम्स नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। इसमें इस तरह तुम लोग को अगला नंबर लिखना है। ओके, थैंक यू। इसको अपनी कॉपी में तुम लोग इस तरह उतारो और लिखो।